लखनऊ में आए दिन हो रही सनसनीखेज वारदातों से इन दिनों राजधानी सहमी हुई है। अगर पुलिस की बात करें तो वह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो जरूर करती है, लेकिन पुलिस की इन सारी कवायदों के बाद भी अपराधी यहां बेखौफ हैं। आलम अब यह हो चुका है कि कहीं भी कोई गोलियां दागने से गुरेज नहीं करता है। ऐसी ही पुलिस को चिढ़ाने वाली एक घटना लखनऊ के पौश कोतवाली हजरतगंज इलाके की है। यहाँ के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके हजरतगंज में अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि फायरिंग की घटना में कोई घायल या फिर हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन घटना ने पुलिस को काफी छका दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची जरूर, लेकिन काफी पड़ताल के बाद भी यह साफ नहीं हो पाया था कि आखिर गोलियां किसने दागी है। कई घंटों की तफ्तीश के बाद आखिरकार पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंची गई। दरअसल गोली गन हाउस से चलाई गई थी। मकसद यह बताया गया कि दुकानदार ने गन की टेस्टिंग के लिए गोलियां चलाई थी। हालांकि इस तर्क के बाद भी पुलिस ने गन मालिक और उसके एक नौकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारी अभय कुमार मिश्रा के मुताबिक मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गली में एक फायरिंग की सूचना मिली थी, उस पर पुलिस टीम गई और आसपास के लोगों से पूछताछ करके पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य उभर के सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने बजे की घटना ये संबंध में पूछताछ की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और पूछताछ की जा रही है। अब मैंने पहले ही बताया जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। कदम दृष्टि में क्या देखा गया, कौन सी बंदूक थी? अभी तो बातचीत चल रही है, जो भी तथ्य क्रम में उभरेंगे उस संबंध में अवगत कराया जाएगा। अभी कुछ लोगों हिरासत में पूछताछ क्या निकल के आया? अभी जांच पड़ताल की जा रही है, जैसा मैंने शुरू से बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य उभर के सामने आएंगे अवगत कराया। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए अमिताभ चौबे की रिपोर्ट।